हेलो टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी करके एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें मैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारे टफ एंड जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्रीफली आपको समझाऊंगी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आएंगे और साथ साथ में आपको सोशियोलॉजी के जो ये टर्म्स हैं उनको हम क्यों सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एकल्चुरेशन। एकल्चुरेशन क्या होता है इसको हम आगे देखते हैं। सो व्हाट इज एकल्चुरेशन? एकल्चुरेशन क्या होता है? वन कल्चर एब्जॉर्ब एलिमेंट्स ऑफ अनदर कल्चर ईदर विलिंगली और अंडर प्रेशर। देखिए, एकल्चुरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो एक चेंज की प्रक्रिया है, एक तरीके से बोलें तो प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर के कुछ एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, या तो अपनी इच्छा से विलिंगली और अंडर प्रेशर या फिर किसी के दबाव से हम उसे ग्रहण करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। समझ रहे हैं आप? वन कल्चर एब्जॉर्ब एलिमेंट्स ऑफ अनदर कल्चर इधर विलिंगली और अंडर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंज दैट टेक प्लेस थ्रू कल्चरल इंटरेक्शन इज कॉल्ड एकल्चुरेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज जो कि होती है थ्रू कल्चरल इंटरेक्शंस इज कॉल्ड एकल्चुरेशन। ओके, एकल्चुरेशन को हम समझ चुके हैं ये क्या होता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक कल्चर के हम जो लोग होते हैं वो किसी अनदर कल्चर से उसके कुछ एलिमेंट्स को, ध्यान रखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की बात हो रही है ना कि पूरे के पूरे कल्चर की, हम कुछ एलिमेंट्स को क्या करते हैं या तो अपनी विलिंगली या फिर अंडर प्रेशर्स क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ और आगे चलकर मैं आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ अपने चैनल पर।